गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट इन क्लास वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपन योर पेज नंबर 39। सब लोगों ने ओपन कर लिया। इसमें एक अभ्यास का बचा था जो मैं आधा मैं बताऊंगी, आधा आप लोग करेंगे, ठीक है। तो क है मिलाकर लिखिए। यहाँ पे अक्षर दिया हुआ है और ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको मिलाकर लिखना है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले मतलब चैप्टर में भी रीड किया था, पढ़ा था, है ना। तो ब धन आधा च धन चा में आ की मात्रा चा, तो तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा। फिर यहाँ पे है प धन त्र, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाए तो पत्र, है ना। फिर ग आधा न ना में आ की मात्रा ना, तो क्या होगा, गन्ना, है ना। फिर वैसा ही ता में त्र में छोटी की मात्रा त्रि, धन भा में छोटा की मात्रा भू और ज, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज। अब ये तो आप लोग से बन जाएगा, आप लोग बना लेंगे इसको। फिर चित्र पहचान कर वाक्य पूरी कीजिए। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, पत्ता दिखाई दे रहा है। काहे का है ये, यह पीपल का, आपको इसके बारे में बताना है क्या, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, पत्ता है। फिर ये काहे का चित्र दिखाई दे रहा है, कुत्ते का, कुत्ता, है ना। तो क्या लिखेंगे आप, खालिस्तान एक वफादार जानवर होता है, तो आपको मालूम है कि वफादार जानवर किसको बोलते हैं, कुत्ते को, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुत्ता, है ना। फिर वैसे ही ऋषि खालिस्तान करती है, तो आपको मालूम है शिव मंदिर में खालिस्तान है, ये भी आपको मालूम है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, या आप लोग करेंगे, ठीक है। फिर आ जाइए, दिए गए अक्षरों से एक एक शब्द बनाइए। छ त्र ज्ञ श, है ना, अध क ख अध च छ, है ना, अह न प य, तो छ छ से क्या बनेगा, त्र से क्या बनेगा, छ छत्री का, त्र त्रिशूल का, वैसे ही ये सारा आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब टर्न योर पेज, ये 12 खड़ी है, इसमें मात्राओं का ज्ञान है। तो शुरू में आप लोगों ने मात्रा पढ़ी थी, हम मात्रा पढ़ा था आप लोगों ने, और ये तो आप लोग घर में आपके पेरेंट्स आपको रीड करा देंगे, ठीक है, इसको आप लोग मेमोराइज करेंगे। फिर आ जाइए पेज नंबर 42। ओपन योर पेज नंबर 42। सारे लोगों ने ओपन कर लिया। आज आप लोगों के लिए चैप्टर स्टार्ट है, अब आप लोग के लिए कुछ नया है, है ना। अभी तक आप लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा था। तो ये है प्रार्थना। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो बच्चे खड़े हुए हैं, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की और एक लड़का। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। मेरे ख्याल से आप सारे लोगों को पढ़ना आ गया होगा, और अगर अभी भी नहीं आया है आपको रीड करना, तो आप लोग हिज्जा कर करके आप घर में रीड करेंगे, ठीक है। हाथ जोड़कर हम सब करते रोज़ तुम्हारा ही गुणगान, वीर बने हम धीर बने हम, पढ़ लिख कर हम बने महान, करे सदा देश की सेवा दो हमको ऐसा वरदान। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं शब्दार्थ को, ठीक है। तो विनती मतलब होता है प्रार्थना निवेदन, रोज़ प्रतिदिन नित्य, वीर समस्या का डट कर सामना करने वाला, वरदान आशीर्वाद, नादान ना समझ अनजान, गुणगान गुणों का बखान, धीर धीरज रखने वाला। तो बच्चे भगवान से विनती मतलब प्रार्थना कर रहे हैं ना, कि हे भगवान हम सब बालक क्या हैं, नादान हैं, हमको जिनको समझ नहीं है, नादान मतलब ना समझ अनजान है, तो हमारी प्रार्थना सुन लो। हाथ जोड़कर हम सब करते रोज़ तुम्हारा ही गुणगान, हम हाथ जोड़कर तुम्हारा ही क्या करते हैं, गुणों का, तुम्हारे ही गुणों का बखान करते हैं। वीर बने, वीर मतलब समस्या का डटकर सामना करने वाले और धीरज रखने वाले बने। हम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, वीर बनना चाहते हैं और धीर बनना चाहते हैं, ठीक है। करे सदा देश की सेवा दो हमको ऐसा वरदान, और हमें ऐसा वरदान दो, आशीर्वाद दो, कि हमें हम हमेशा किसकी सेवा करें, देश की सेवा करें, ठीक है। आगे समझ में, इस प्रार्थना में बच्चे इस चैप्टर में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी क्या सुनो, विनती सुनो, हम सब क्या हैं, अनजान हैं और रोज़ तुम्हारा ही गुणगान करते हैं, हम सब पढ़ लिख कर वीर और धीर बने, जिससे हमें ऐसा वरदान दो जिससे हम सदा देश की क्या करें, सेवा करें। तो ये तो आपको मेमोराइज करना है, विनती सुन लो हे भगवान, ये अच्छे से मेमोराइज करेंगे और लिखना भी धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। और ये अभ्यास मैं आप लोगों को भेज दूँगी, फिर आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। एक मौखिक एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
का मौखिक प्रश्न है। बच्चे हाथ जोड़कर किसका गुणगान कर रहे हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा है ना किसका गुणगान कर रहे हैं, तो बच्चे हाथ जोड़कर भगवान का गुणगान कर रहे हैं। दूसरा है प्रार्थना करने वाले बच्चे कैसे हैं, तो क्या लिखा है यहाँ, हम सब बालक हैं नादान, तो प्रार्थना करने वाले बच्चे क्या हैं, नादान हैं, है ना, ना समझ है। फिर आ जाइए, अब ये आपको मैं नोट मतलब भेजूँगी तो आप लोग नोट डाउन करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊँगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी था स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।